और इस बीच बड़ी खबर मंगलौर से मिल रही है, जहां पर मंगलौर की चिमनियों से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बता दें कि बड़ी मात्रा में गन्ना की फैक्ट्री में रबर का उपयोग हो रहा है और इस रबर से निकलने वाले धुआं लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। तो इस बीच बड़ी खबर मंगलौर से मिल रही है, जहां पर मंगलौर के लंढोरा कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर चिमनियों से निकलने वाला धुआं अब जहरीला हो चला है और ये लोगों के लिए एक परेशानी बनता जा रहा है। गन्ने का रस पकाने, बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, चिमनी से निकलता हुआ धुआं बीमारियों को दावत दे रहा है। स्थानीय लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है और अधिकारी चैन की सांस लिए बैठे हैं। बता दें कि जिम्मेदार अधिकारियों ने इसके लिए कोई भी सुध नहीं ली है, ग्रामीण एक बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो बड़ी खबर मंगलौर से मिल रही है, जहां पर लंढोरा कस्बे में चिमनियों से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। गन्ने का रस पकाने के लिए बड़ी तादाद में रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, चिमनी से निकलता हुआ धुआं बीमारियों को दावत दे रहा है। स्थानीय लोगों में बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और जिम्मेदार अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं, सुध नहीं ले रहे हैं। देखिए ये तस्वीर किस प्रकार से फैक्ट्री में रबर का उपयोग किया जा रहा है और इसी रबर से जो धुआं निकल रहा है वो लोगों के लिए एक परेशानी बन चुका है, परेशानी का सबब बन चुका है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस कदर फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं एक तरीके से जहरीला होता है और यही जहरीला धुआं अब लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। लोगों को बीमारियों की खुली दावत धुआं ये दे रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता राहुल सैनी। राहुल, जिस प्रकार से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो चिमनी है और जो फैक्ट्री है उनसे बड़ी तादाद में जो धुआं निकल रहा है, लोगों में बीमारी बढ़ने लगी है। कई दफा लोगों ने स्थानीय अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है, आखिर क्या मसला है राहुल? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है तो वहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ने के रस को पकाने के लिए जो चरखियां हैं। जी बिल्कुल, शायद राहुल से हमारा संपर्क टूट गया है। तो बड़ी खबर मंगलौर से मिल रही है, जहां पर मंगलौर के लंढोरा कस्बे में चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। बता दें कि गन्ने का रस पकाने के लिए बड़ी तादाद में प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि ये जहरीला धुआं उत्पन्न हो रहा है। और दोबारा हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ में जुड़ गया है। राहुल, जिस प्रकार से जो चिमनियों का जो धुआं निकल रहा है लोगों के लिए एक परेशानी बन चुका है, बड़ी तादाद में लोग बीमार भी हो रहे हैं, स्थानीय अधिकारी इस मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल? देखिए, बताना चाहूंगा कि गन्ने के रस को पकाने के लिए मंगलौर के जो लंढोरा कस्बा है वहां पर जो भी कोल्हू है, जो भी चरखिया है, उसमें रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है और जो किसान गन्ना किसान है वो चरखियों में अपना गन्ना डालता है, चरखियों में और कोल्हों में अपना जो है गन्ना की फसल को बेचता है, तो उसके रस को जो पकाने के लिए रबड़ का उपयोग किया जा रहा है और जो चिमनी से निकलने वाला धुआं है वो स्थानीय लोगों के लिए एक परेशानी बन चुकी है, क्योंकि स्थानीय लोगों को एक साथ में डेंगू सता रहा है तो वहीं जो सांस की बीमारियां जो लोगों को बढ़ने लगी है। इसकी खबर हालांकि आपको बताना चाहूंगा स्थानीय प्रशासन को भी इसकी खबर है, लेकिन कोई भी आला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। स्थानीय प्रशासन या संबंधित विभाग के जो भी कर्मचारी है वो चैन की नींद सोए हुए हैं, हालांकि बार बार उनको शिकायत की जाती है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। जी जी, लेकिन इस मसले को लेकर खबर ये भी सामने आई थी कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कलेक्टर से लेकर जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको भी गुहार लगाई, लेकिन इस मसले पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, आखिर क्यों नहीं की जा रही है कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल हो सकता है स्थानीय लोगों के द्वारा संबंधित विभाग को शिकायत की गई है, लेकिन फिर भी संबंधित विभाग के द्वारा या प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा जो है ये कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, लापरवाही देखी जा सकती है। इससे स्थानीय लोगों को बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है, साथ ही किडनी से जो निकलने वाला धुआं है और प्लास्टिक और रबड़ को जलाने के बाद जो निकल रहा है, सांस की बीमारी संबंधी जो खतरनाक बीमारियां कैंसर वो भी हो सकती है, और स्थानीय जो प्रशासन है वो बिल्कुल बेखौफ मतलब चैन की नींद सोया है, और जो यहाँ पर जो चरखी और कोल्हू के जो स्वामी है वो उनको प्रशासन का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। जी जी बिल्कुल, लेकिन राहुल जिस प्रकार से ये धुआं निकल रहा है लेकिन जो फैक्ट्री के जो मानक है, क्या उन मानकों का भी उल्लंघन है?
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कंपनी एक्ट या फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत यदि यदि ये कोल्हू भी आते हैं तो उनका भी उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उनके नियमों को ताक पर रखकर चीनी कोल्हू स्वामी है ये उनके उल्लंघनों को ताक पर रखकर ऐसा काम करते हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा ये रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जो है इस तरीके की जो है काम किया जाता है, और रात के अंधेरे में जिससे कि कोई प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई शिकायत ना कर दे, इसलिए रात के अंधेरे में जो चरखी स्वामी है कोल्हू स्वामी है वो इस तरीके से रबड़ या प्लास्टिक जलाते हैं जिससे कि कोई इनकी शिकायत ना कर सके। हालांकि लगातार स्थानीय पर लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही। जी जी बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर ये मंगलौर से मिल रही है जहां पर मंगलौर के लंढोरा कस्बे में चिमनियों से धुआं निकल रहा है, जहरीला धुआं लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन चुका है। बता दें कि जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में गन्ने का रस पकाया जाता है, जहां पर गन्ने का रस पकाने के लिए बड़ी तादाद में रबर और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, और रबर और प्लास्टिक का जो धुआं है वह जहरीला है, और उस जहरीले धुएं से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन आज तक इस मसले पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है।